मैं नहीं भूला हूं वो तस्वीर जब इसरो के चेयरमैन के सिवन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गले लगा लिया था। पूरे देश ने इस वीडियो की तारीफ की थी दोस्तों, मगर फिर मेरे एक दर्शक ने मेरा ध्यान खींचा एक दूसरी तस्वीर की तरफ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक और वीडियो। यह वो वीडियो है जब के सिवन प्रधानमंत्री के पास पहुंचते हैं और पहली बार उन्हें बताते हैं कि हमारा संपर्क विक्रम से टूट चुका है। अब इस तस्वीर में देखिए, प्रधानमंत्री ना के सिवन को गले लगाते हैं ना हाथ मिलाते हैं, और यही नहीं, कोई अन्य वैज्ञानिक और नौकरशाह हैं जो इनकी पीठ थपथपाते हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं दोस्तों कि असली तस्वीर कौन सी है, ये या ये। और अब ये दोनों तस्वीरें एक साथ आपके स्क्रीन पर, ये फैसला आपको करना है कि असली तस्वीर कौन सी है, इंसानियत की ये तस्वीर जो कैमरे के सामने हुई, या फिर ये दूसरी तस्वीर जो कैमरे ने पकड़ ली मगर कैमरे में दिखने वाले पात्रों को इस बात का आभास नहीं था। आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। हम आगाज करने जा रहे हैं इस तस्वीर के साथ। जी हां, तारीख 20 जनवरी 1948, दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा, और इस प्रार्थना सभा में एक बम से हमला होता है। इस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक यह हमला किया था एक हिंदू शरणार्थी ने। आइए देखते हैं यह वीडियो। Though feeble, yet vibrant, Gandhi continued his after-prayer talk. आखिर की एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। The explosion was from a bomb thrown by a Hindu refugee to kill Gandhi. Gandhi remained unruffled. ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा? सुनो 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 सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। Relying on God, he refused to accept any kind of human protection. इस वीडियो से हमें क्या पता चलता है? पहली बात, महात्मा गांधी विचलित नहीं होते। दूसरी बात, महात्मा गांधी खुद के लिए सुरक्षा भी नहीं लेते। तीसरी बात, कुछ लोग महात्मा गांधी को मारने की कोशिश एक अरसे से कर रहे थे और फिर इन्हें सफलता मिलती है 30 जनवरी को, 30 जनवरी 1948 इस तस्वीर के जरिए। आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। उस वक्त की सरकार को तो मालूम था ना कि 20 जनवरी को महात्मा गांधी पर एक बॉम्ब अटैक हुआ है, तो उनकी सुरक्षा को क्यों नहीं बढ़ाया गया? मैं जानता हूं कि महात्मा गांधी इस वीडियो में कह रहे हैं कि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मगर वो राष्ट्रपिता थे। मगर क्या आप जानते हैं 20 जनवरी की तस्वीर क्या साबित करती है? 20 जनवरी 1948 को भी महात्मा गांधी को मारने की कोशिश की जा रही थी और आज भी महात्मा गांधी को मारने की कोशिश की जा रही है। मगर न्यूज चक्र में हम आपके सामने इन दो मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा नंबर एक, क्या अब पाकिस्तान करेगा कश्मीर की दशा और दिशा तय, क्योंकि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तो यही मानते हैं। मुद्दा नंबर दो, न्यायपालिका में आत्ममंथन, न्यायपालिका में कश्मकश। हम आपको न्यायपालिका से जुड़ी दो खबरें बताने वाले हैं और आपको इसे सुनना बेहद जरूरी है क्योंकि ये देश के मौजूदा हालात को आईना दिखा रहे हैं। आगाज हम करना चाहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के इस बयान के साथ। पहली बात दोस्तों ये कि अजीत डोभाल कुछ चुने हुए पत्रकारों से मिलते हैं, सभी पत्रकारों से नहीं मिलते हैं, और इस मुलाकात में वो क्या कहते हैं इस पर गौर कीजिएगा। हम सभी प्रतिबंधों को, यानी कश्मीर में हम सभी प्रतिबंधों को हटाना चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के व्यवहार पर निर्भर करेगा। ये उकसाने और उसका जवाब देने वाली स्थिति है जिसमें पाकिस्तान
उकसाने, अशांति पैदा करने, डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है। मेरे कुछ सवाल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के इस दावे पर। मुद्दा नंबर एक, क्या कश्मीर के हालात हमारे नियंत्रण में नहीं होने चाहिए? क्या वाकई कश्मीर में हालात क्या होंगे इसका फैसला पाकिस्तान करेगा? मुद्दा नंबर तीन, आखिर हमारी नीतियां इतनी पाकिस्तान सेंट्रिक क्यों होती जा रही हैं? क्योंकि देखिए, आम जो नैरेटिव चल रहा है, आम जो संवाद चल रहा है मीडिया में, उसमें साफ तौर पर हर मुद्दे पर पाकिस्तान के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं। अब खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में गिने चुने पत्रकारों से अपनी इस बातचीत में दो और अहम बातें की, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कह रहे थे कि करीब 230 पाकिस्तानी आतंकवादी सीमा पर इंतजार कर रहे हैं भारत में प्रवेश करने का। साथ ही इन आकाओं ने कहा है कि अगर तुमने हमला नहीं किया भारत पर, कोई बड़ा हमला, तो हम तुम्हें चूड़ियां भेज देंगे। क्या कहा अजीत डोभाल ने, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। बकौल डोभाल, हमने उनके संदेश सुने जिसमें उन्होंने अपने लोगों से कहा, सेब के इतने ट्रक कैसे चल रहे हैं? क्या तुम उन्हें नहीं रोक सकते? क्या हम तुम्हें बंदूकों के बजाय चूड़ियां भेजें? दोस्तों, एक बात तय है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के इन तेवरों से कि कश्मीर में एक लंबे अरसे तक इंटरनेट बहाल नहीं होने वाला, क्योंकि जब खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान तय करेगा कि हालात यहां पर नॉर्मल होंगे या नहीं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि हालात हमारी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए उनका जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है या ये जो इनका इंटरेक्शन है लोगों के साथ, ये साबित करता है कि कश्मीर में हालात सामान्य होने में अभी बहुत लंबा अरसा लगेगा। न्यूज चक्र में आज का दूसरा मुद्दा है न्यायपालिका में कश्मकश, न्यायपालिका में आत्ममंथन। इसके लिए आपको इन दो चेहरों पर गौर करना होगा। पहला चेहरा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज दीपक गुप्ता, और दूसरा चेहरा मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस विजया के ताहिल रमानी। इन दोनों से जुड़ी जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, वो कहीं ना कहीं आईना दिखा रहा है भारत के अंदर मौजूद प्रजातांत्रिक मूल्यों को, इस देश की डेमोक्रेसी को यह घटनाक्रम जो है आईना दिखा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अहमदाबाद में सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक गुप्ता ने क्या कहा, इस पर आपको गौर करने की जरूरत है। इनका एक एक शब्द मानो सोने का है। वो कहते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, सशस्त्र बलों की आलोचना करना राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। अगर हम इन संस्थानों की आलोचना करना बंद कर देंगे तो हम लोकतंत्र के बजाय पुलिस राज तानाशाह बन जाएंगे। वो आगे कहते हैं, मेरे हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे संविधान में नहीं लिखा गया है, राय की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार शामिल हैं, असहमति का अधिकार। वो साथ ही ये भी कहते हैं, एक समाज जो पारंपरिक नियमों से ही चिपका रहता है वो पतन की ओर जाता है। मैंने कहा ना, जस्टिस गुप्ता का एक एक शब्द सोने का शब्द है। आगे कहते हैं, यदि हर कोई बने बनाए यानी पुराने रास्तों पर ही चलेंगे तो कोई नया रास्ता नहीं बनाया जा सकेगा और मन के नए परिदृश्य को नहीं खोजा जा सकेगा। हमेशा सवाल करते रहना चाहिए, तभी समाज का विकास होगा। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में नास्तिक, अज्ञेय और आस्तिक सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। जस्टिस गुप्ता 1975 के आपातकाल की स्थिति को भी याद करते हैं और क्या कहते हैं, आपातकाल के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों से संबंधित एक मामले में जस्टिस एच आर खन्ना द्वारा व्यक्त किए गए विरोध की उन्होंने याद दिलाई। खन्ना 5 जजों वाली पीठ में एकमात्र जज थे जिन्होंने हिरासत में रखने की असीमित शक्तियों के विरोध में फैसला दिया था। और क्या आप जानते हैं, सबसे अहम बात जो जस्टिस गुप्ता ने कही है, जो कहीं ना कहीं आईना दिखा रहा है मौजूदा सरकार को, हमें सत्ता में सरकार की आलोचना करने का अधिकार है चाहे वो जो भी सरकार हो। राजद्रोह कानून का दुरुपयोग उस सिद्धांत के खिलाफ है जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी। न्यायपालिका भी आलोचना के ऊपर नहीं है, गौर कीजिए इस बात पर, न्यायपालिका भी आलोचना के ऊपर नहीं है। और इसी से जुड़े हमारे कुछ सवाल हैं, क्या बीजेपी सरकार सुन रही है?
क्या गोदी मीडिया और सरकार के चाटुकार सुन रहे हैं? क्योंकि गोदी मीडिया के कुछ एंकर्स या पत्रकारों की बात करें तो अगर इस सरकार की आलोचना होती है तो वो उसे पर्सनली ले लेते हैं। साथ ही क्या विपक्ष को सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को धमकाने और डराने वाली एजेंसी सुन रही है? सच तो यह दोस्तों कि ये उनकी निजी राय होगी, मगर हकीकत यह है निजी राय रखने के बावजूद कहीं ना कहीं उनका एक एक शब्द हमारे देश के प्रजातंत्र को आईना दिखा रहा है और आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। मगर अगली खबर जिसका ताल्लुक मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस विजय के ताहिल रवानी से है वो और भी हैरत में डालती है। क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस विजय के ताहिल रमानी को मेघालय हाईकोर्ट में तबादला करने की सिफारिश की? चीफ जस्टिस ताहिल रमानी इसका विरोध करती हैं, उनकी बात नहीं मानी जाती, नतीजा वो अपने पद से इस्तीफा दे देती हैं। मगर यह मामला इतना आसान और सरल नहीं है, आपको इसके पीछे जाना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस ताहिल रहमानी ने किस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया था। गौर कीजिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि बंबई हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने मई 2017 में बिल्किस बानो रेप केस में फैसला सुनाया था। 2002 के गुजरात के दंगों में कई फैसले आए दोस्तों, और यह गिने चुने मामलों में से एक है जिसमें जो दोषी थे उन्हें सजा सुनाई गई। जी हां, हम आपको बताना चाहेंगे इसमें 11 व्यक्तियों को सजा सुनाई गई थी बिल्किस बानो रेप केस में। और कौन थी बिल्किस बानो? जी हां, 2002 के गुजरात दंगों में बिल्किस और 4 अन्य औरतों का बलात्कार किया गया था। इसके परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी। यही नहीं दोस्तों, बिल्किस बानो की 2.5 साल की लड़की का किसी ने सिर पकड़कर पत्थर पर दे मारा था और इसकी मौत हो गई थी। बिल्किस बानो इस दोजक से गुजरी है, बिल्किस बानो इस नर्क से गुजरी है। चीफ जस्टिस ताहिल रमानी ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया था। हम आपको यह बता दें कि जस्टिस ताहिल रमानी 2 अक्टूबर 2020 को रिटायर होने वाले हैं। 2 अक्टूबर से कुछ याद आया? कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि किस तरह से 20 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को मारने की कोशिश की गई थी। 2 अक्टूबर 2020 को चीफ जस्टिस ताहिल रमानी रिटायर होने वाली थी। आज हम कुछ सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक गुप्ता ने कहा था कि न्यायपालिका की भी आलोचना हो सकती है। हम आलोचना नहीं कर रहे, अलबत्ता कुछ सवाल जरूर उठा रहे हैं। क्या यह सामान्य है? क्या यह जस्टिस ताहिल रमानी का डिमोशन नहीं? उनका इस्तीफा बताता है कि वो खुश नहीं है। क्या महज इत्तेफाक है? सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक गुप्ता ने कहा है कि न्यायपालिका की भी आलोचना होनी चाहिए। मैं उन्हीं की इस बात से हिम्मत जुटाकर आज यह सवाल कर रहा हूं। क्या यह सवाल गलत है? खैर दोस्तों, न्यू इंडिया है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। बहरहाल, आप सबसे मेरी अपील कि न्यूज चक्र के इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम आपके सामने वो खबरें लाते हैं जिसे छूने से लोग कतराते हैं। हम आपके सामने वो खबरें लाते हैं जिसका ताल्लुक सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों के खेल से है। आप सबसे मेरी अपील कि इस कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और न्यूज क्लिक को करें सब्सक्राइब। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.